नमस्कार दोस्तों, सलम डॉग एंटरटेनमेंट पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे अभिनेता राम बहादुर रेणू को मिला बेस्ट खलनायक का अवार्ड। जी हाँ फ्रेंड्स, बॉलीवुड में पिछले कई वर्षों से बतौर अभिनेता सक्रिय राम बहादुर रेणू को बेस्ट खलनायक का अवार्ड हिमाचल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में उनकी मैथिली फिल्म जैक्सन हॉल्ट में उनके बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए दिया गया। बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री नीतू चंद्रा द्वारा निर्मित और नितिन चंद्रा द्वारा निर्देशित जैक्सन हॉल्ट एक मैथिली फिल्म है और इस फिल्म में राम बहादुर रेणू ने स्टेशन मास्टर का चरित्र निभाया है, जिसे मैथिली भाषी दर्शकों ने खूब सराहा है। हिमाचल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल देश के सर्वश्रेष्ठ फिल्म फेस्टिवल में से एक है। हिमाचल प्रदेश के मंडी में 27 जून से 30 जून तक आयोजित इस फेस्टिवल में राम बहादुर रेणू को जैक्सन हॉल्ट के लिए बेस्ट विलन का अवार्ड दिया गया। कोशाली पट्टी सुपौल बिहार के रहने वाले रेणू राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से स्नातक हैं और पिछले कई वर्षों से मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में बतौर अभिनेता सक्रिय हैं। रेणू कई धारावाहिकों और फिल्मों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। इसके अलावा चर्चित नाटक मुगले आजम में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, जिसके मंचन के लिए दुनिया के कई देशों का भी भ्रमण कर चुके हैं। नाटकों और फिल्मों में अभिनय के साथ साथ रेणू कई थिएटर वर्कशॉप का भी निर्देशन कर चुके हैं। इसके अलावा फोक आर्ट भगत गायन पर भी लंबे समय से काम कर रहे हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, हजारों ख्वाहिश से ऐसी, चरस, अरमान, हेलो हम लल्लन बोल रहे हैं, पिया तो से नैना लागे रे के साथ साथ कई धारावाहिकों और विज्ञापन फिल्मों में भी काम कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स, सलम डॉग एंटरटेनमेंट के बॉलीवुड अपडेट में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको ये अपडेट अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें और बने रहे हमारे साथ में बॉलीवुड अपडेट के लिए। मिलते हैं फिर किसी दूसरे अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।